सीतापुर की बिस्वा कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बिस्वा पुलिस ने चोरी की 5 घटनाओं का खुलासा करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शातिर अभियुक्तों के कब्जे से बिस्वा, सकरन व रेउसा थाना इलाकों में हुई चोरी की घटनाओं से संबंधित 1,48,000 रुपए की नकदी, करीब 3,00,000 कीमती सोने चांदी के जेवरात, वारदातों में इस्तेमाल की जाने वाली कार तथा 2 तमंचे व 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। चंदन महमूदपुर पुल के पास गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान अविलाक पुत्र ओम प्रकाश निवासी खपूरा थाना लहरपुर, कमलेश पुत्र भगवान देन निवासी दमन बिलवा थाना सकरन, सिपाही लाल पुत्र मैकू निवासी बढ़ई डीह थाना रेवसा तथा सोनू पुत्र रामसरन गौड़ निवासी शेख सराय थाना बिस्वा के रूप में हुई है। शातिर चोरों के इस गिरोह को दबोचने वाली टीम में बिस्वा कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक मनीष सिंह, निरीक्षक सुरेश चंद्र मिश्र, उप निरीक्षक कृष्ण कुमार व हरि प्रकाश यादव के अलावा हेड कांस्टेबल राम तीर्थ, दीपक वर्मा, कांस्टेबल अमित मिश्रा, नदीम, गौरव सिंह, पीयूष मनेन्द्र, मोनू बलियान, प्रदीप चौरसिया और मयंक राजपूत शामिल थे। इस कार्रवाई को लेकर ASP उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित ने जानकारी दी। जनपद सीतापुर में थाना बिस्वा पुलिस टीम द्वारा चोरी की कुल 5 घटनाओं का सफल रनआउट करते हुए प्रकाश में आए कुल 4 शातिर अभियुक्तों अभिलाख निवासी लहरपुर, कमलेश निवासी सकरन, सिपाही लाल निवासी रेउसा और सोनू निवासी बिस्वा को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। इन अभियुक्तों के कब्जे से थाना बिस्वा, सकरन व रेउसा थाना क्षेत्र में क्रमशः 2, 2 और 1 अर्थात कुल 5 चोरी घटनाओं से संबंधित कुल 1,38,000 रुपये नकदी, करीब 3,00,000 रुपये कीमती सोने चांदी के जेवरात, 2 तमंचे, 6 जिंदा कारतूस व घटना में प्रयोग की गई 1 होंडा अमेज कार भी बरामद हुई है। इन गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा उपरोक्त थाना क्षेत्रों में अपराधकारी किए जाने के अतिरिक्त जनपद बाराबंकी, खीरी व सुल्तानपुर में भी विभिन्न थाना क्षेत्रों में घटनाकारी किए जाने की बात स्वीकार की गई है। इन अभियुक्तों का चालान सुसंगत धाराओं में करते हुए इनके विरुद्ध अग्रिम निरोधात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। अब तक जो इन्होंने ऐसे आपराधिक कृत्यों से अवैध संपत्ति अर्जित की है उसका भी सम्यक चिन्हांकन करके उसके भी नियमानुसार जब्ती करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।